हम आज के वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि डॉग शो के अंदर डॉग जो है वो रिंग के अंदर कैसे ट्रीटमेंट मतलब कैसे शो करते हैं। डॉग शो के अंदर रिंग के अंदर डॉग कैसे मतलब कैसे शो करवाया जाता है डॉग्स को। तो ये अभी अपने पास में कुछ ये फौजी भाई है, ये रेवाड़ी से कुछ जर्मन शेफर्ड डॉग लेके आए थे। तो ये उनके डॉग्स हैं, ये डॉग शो में जाने से पहले थोड़ा वार्म अप करवा रहे हैं उनको, थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह वार्म अप देके ब्रशिंग कर रहे हैं उनकी। और ये इनके पास लॉन्ग कोट के पपीज़ है और लॉन्ग कोट के डॉग्स भी है। ये इनका मेल है लॉन्ग कोट का डॉग, मेन डॉग जो है ये रिंग में उतरने के लिए तैयार कर रहे हैं, इसको वार्म अप करवा रहे हैं इसका। और अभी दिखाते हैं रिंग के अंदर के एक्चुअली में डॉग्स रिंग के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब उन्हें कैसे कैसे क्या क्या करवाया जाता है। तो अब देखते हैं डॉग शो के अंदर। देखिए सबसे पहले डॉग्स को ऐसे स्टैक करके खड़ा किया जाता है। ये देखिए जितने डॉग खड़े हैं इनका एक पैर आगे एक पैर पीछे है, तो ये स्टैकिंग होती है, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। ये स्टैक करके डॉग को खड़ा किया जाता है, इसमें एंगुलेशन चेक किया जाता है डॉग का एंगुलेशन और ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद में डॉग की रनिंग करवा के देखी जाती है कि आपका डॉग आपके कितनी कमांड को मान रहा है, आपके साथ कितना चल रहा है, मतलब आपके कितने कैसी कमांड को वो फॉलो कर रहा है, ये सब देखा जाता है। ये है स्टैकिंग। तो ये सब अपने अपने डॉग को स्टैक करके दिखा रहे हैं। इसमें कुछ डबल कोट के जर्मन शेफर्ड है, कुछ लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड है। आप देखिए, और अभी इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि डॉग्स को इसके बाद में मतलब रिंग के चारों तरफ उसकी रनिंग करवा के देखा जाता है कि वो अपने ओनर को कितना फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए, ये चला के दिखाया जा रहा है डॉग को कि ये कितना फॉलो कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स आप ये देखोगे, ये डॉग जो है ना आगे पीछे पैर रख के चलना ये मेन होता है इसमें, मतलब दौड़ना मेन नहीं होता कि कुत्ता दौड़ रहा है मतलब आपका डॉग दौड़ रहा है, वो नहीं। ये देखिए, आप अगर ये देखेंगे पहले वाला डॉग, देखिए किस हिसाब से चल रहा है, ये इसके पैरों के चलने का स्टाइल देखिए, ये मेन होता है आपके कि आपका डॉग कैसे आपके साथ में चल रहा है, यानी कि आपको खींच के ले जा रहे हैं, आपको कितना फॉलो कर रहे हैं, आपकी कितनी कमांड को मान रहे हैं, ये सब इसमें देखा जाता है। फिर उसके बाद में फिर आपके डॉग के है मतलब कोट साइज़ क्या है, ग्रूमिंग आपने अपने डॉग की कैसे कर रखी है, वो सब देखा जाता है। आपके डॉग के टीथ, ईयर साइज़ और क्या कहते हैं हाइजीन, कितना पर्सनल मतलब कितना क्लीन एंड नीट आपका डॉग है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। फिर उसके बाद में अवार्ड दिया जाता है डॉग को। अभी देखिए, अभी ये हाइट, एंगुलेशन और कोट साइज़, ये सब जजेस जो है देख रहे, ये पर्टिकुलर मतलब हर किसी डॉग का अपना देख रहे ये जजेस। तो अब इसके बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा डॉग चैम्पियन है, मतलब किस डॉग को चैम्पियन बनाना है। ये देखिए, बेस्ट ऑफ ब्रीड। अब दूसरे डॉग का नंबर, ये जो फौजी भाई जो अपने रेवाड़ी से लेके आए थे, इनके डॉग का नंबर आ गया है। अब ये देखिए, ऐसे ये रनिंग करवा के देखे जाते हैं डॉग की। ये देखिए डॉग के चलने का स्टाइल देखिए आप, सब डॉग्स का ये जो चलने का स्टाइल है ना, ये ही मेन होता है कि आपका डॉग आपको किस तरह से फॉलो करता है। ये देखिए, आप इंजॉय कीजिए इसको। इस डॉग शो के अंदर ये वैसे तो ये शिटजू स्पेशल डॉग शो था, बट हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो शिटजू के जो रिंग्स थे उनको हम कवर नहीं कर पाए, पर जितना कर पाए हैं उतना आपको दिखा रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिए तो अब आपको कैसे अपने डॉग को तैयार करना है इसके लिए आपको नॉलेज हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये मैं बताना चाहता हूँ कि डॉग शो जो है ना, काफ़ी प्रकार के डॉग शो होते हैं। कुछ RKCA डॉग शो होते हैं, कुछ KCA के डॉग शो होते हैं, कुछ Club 9 के डॉग शो है, तो और कुछ ओपन डॉग शो भी होते हैं। तो जो RKCA के डॉग शो था, ये पश्चिम बिहार में जो डॉग शो आते, तो RKCA का डॉग शो था, रॉयल कैनल क्लब ऑफ इंडिया का डॉग शो था ये। इसके पेपर्स भी होते हैं, माइक्रोचिप के साथ पेपर्स मिलते हैं। अगर आपके पास RKCA के पेपर्स है तो आप इस डॉग शो में अपने डॉग को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब आप अपने डॉग को इस डॉग शो में उतार सकते हो।
दूसरा जो होता है इंटरनेशनल टाइप के जो डॉग शो होते हैं वो KCI के डॉग शो होते हैं, कैनल क्लब ऑफ इंडिया। अगर आपके डॉग के कैनल क्लब ऑफ इंडिया के पेपर्स है तो आप उस डॉग शो के अंदर आप अपने डॉग को उतार सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है वर्किंग शेफर्ड डॉग, मतलब वर्किंग क्लास डॉग जिसको बोलते हैं, जिनको के मेनली गार्डनिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इसकी अगर डॉग ब्रीड की बात की जाए तो ये इसको बोलते हैं बेल्जियम शेफर्ड। ये बेल्जियम शेफर्ड डॉग है, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी काम डॉग हो, मतलब काम भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एनर्जिक डॉग होते हैं, मतलब ओनर की फुल कमांड को मानने वाले डॉग है। ये इंटेलिजेंसी की ये बात बताता हूँ। इसके पीछे है ब्लैक जर्मन शेफर्ड, आप देख सकते हो। इस वाले डॉग शो में इस वाले डॉग ने जो है, ये जो बेल्जियम शेफर्ड है, इसी ने अवार्ड जीता है, फर्स्ट अवार्ड इसी को मिला है। और मैं जो जैसे बता रहा था अभी कि डॉग शो कई प्रकार के होते हैं, ओपन डॉग शो भी होते हैं, RKCI के डॉग शो भी होते हैं, KCI के डॉग शो भी होते हैं। अगर आपके पास KCI के पेपर्स है तो ही आप अपने डॉग को KCI के डॉग शो में उतार सकते हैं। अगर आपके पास में कैनल क्लब ऑफ इंडिया के पेपर्स है तो ही आपका डॉग उसमें उतरेगा। और जब डॉग शो में हम अपने डॉग को उतारते हैं तो इसके भी कुछ शर्तें, कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर कुछ फीस होती है, एंट्री फीस, वो आपको पे करनी पड़ती है। और फिर आपको अपने डॉग का ना आप मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने डॉग का, फिर आप रिंग के अंदर अपने डॉग को उतार सकते हैं। अगर आप भी ऐसे डॉग शो में अपने डॉग्स को उतारने के इंटरेस्टेड हैं तो अपडेट लेते रहें डॉग शो का, और अपने डॉग्स को उतारिए, और जो भी हो अपने डॉग्स को देखिए कि आपके डॉग में कितना पोटेंशियल है। और इसके लिए ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत होती है डॉग को, तो पहले ट्रेनिंग दिलाइए अपने डॉग को, ताकि आपका डॉग अगर डॉग शो में उतर रहा है तो कुछ ना कुछ जीत के ही आए। ये देखिए, आप इस डॉग को भी देख सकते हैं, इसका चलने का स्टाइल कैसा है। ये जो रनिंग करते हैं इसमें, ये जो चलने का स्टाइल, ये मेन फोकस, मेन पॉइंट होता है डॉग का। ये विनर डॉग है लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड में, जो फौजी भाई का डॉग है ये। तो मतलब अगर आप कोई डॉग पालते हो, अच्छे से किसी डॉग को पाल रहे हो, अच्छे से उसकी केयर कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको अपने डॉग को डॉग शो में उतारना चाहिए। और डॉग शो में उतारने के लिए अपने डॉग की प्रॉपर ट्रेनिंग, इसमें डॉग शो की एक अलग ट्रेनिंग होती है, ओबीडियंस की एक अलग ट्रेनिंग होती है, तो कोई भी अच्छे से ट्रेनर को लेकर, किसी भी अच्छे से ट्रेनर से कॉन्टेक्ट करके आपको अपने डॉग की ट्रेनिंग करवानी बड़ी ज़रूरी है। और जब आपके डॉग की ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर आप जैसे भी आपके शहर में नियर बाय अगर कहीं पर भी डॉग शो होता है तो आप पता लगाइए उस डॉग शो का कि कहाँ पर डॉग शो हो रहे हैं, और फिर कांटेक्ट कीजिए जो भी डॉग शो को ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके अपने डॉग्स को उन डॉग शो में उतारिए। और आप भी अपने डॉग की पोटेंशियल देखिए कि आपके डॉग में कितना पोटेंशियल है। वैसे पोटेंशियल तो ऑलमोस्ट सभी डॉग्स के अंदर होता है, बस ज़रूरत होती है कि हम उसे तैयार कैसे करते हैं। तो तैयार कौन करेगा? तैयार ऑब्वियसली ट्रेनर करेगा। तो सबसे पहले तो काम होता है कि एक तो अच्छी क्वालिटी का डॉग लीजिए, उसके बाद में अच्छा ट्रेनर लीजिए, ताकि वो आपके डॉग को अच्छे से ट्रेन कर सके, और ट्रेन करने के बाद में रिंग में उतारिए। तो रिंग में अगर उतारना है तो आप खुद भी उतार सकते हो, ट्रेनर के थ्रू भी उतार सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो डॉग शो में जो उतरे हुए हैं, ये डोबरमैन। डोबरमैन काफ़ी लॉयल ब्रीड होता है फ्रेंड्स। वैसे तो लोगों के अंदर हुआ है कि डोबरमैन बेकार ब्रीड होता है, मतलब कि अग्रेसिव ब्रीड है, नो डाउट अग्रेसिव ब्रीड है ये, पर अग्रेसिव ब्रीड होने के साथ साथ में ये काफ़ी लॉयल भी ब्रीड है। ये एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है कि सिंगल ओनर ब्रीड होती है, जो इसको पालता है उसके लिए तो ये जान भी दे सकता है, पर बाकी कोई इसको हैंडल कर सके वो डिपेंड करता है कि आपने अपने डॉग को कितना सोशलाइज किया है। अगर आप अपने डॉग को टाइम टू टाइम तरीके से सोशलाइज करते हो, सब लोगों से मिलाते जुलाते हो और प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हो उसकी, तो फिर आपके डॉग डोबरमैन में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे जितने भी डॉग है ये यूरोपियन लाइन के डोबरमैन डॉग्स हैं। और ये देखिए, अब इनका भी देखिए, ऑलमोस्ट देखेंगे आप तो डॉग शो के अंदर जब डॉग को उतारा जाता है तो ये देखिए रनिंग कराई जाती है, उसका स्टैकिंग का स्टाइल देखा जाता है, और उसके फर, मतलब उसका कोट साइज़ क्या है, उसके टीथ कैसे है, उसकी ग्रूमिंग कैसी है, इन सब चीज़ों को नोटिस किया जाता है।
आप ये देखिएगा, फिर उन सब चीज़ों को नोटिस करने के बाद में फिर जज डिसाइड करते हैं कि कौन सा डॉग विनर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कहाँ कमी रह जाती है आपको वो भी पूछना जरूरी है डॉग शो में, जिससे कि मेरे डॉग के अंदर क्या कमी रह गई है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए तो अपने डॉग की वो कमी पूरी करके आए, ताकि आपका भी डॉग विनर बन सके। इसके अंदर तीन ट्रॉफियाँ होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर ट्राई कीजिए कि आपका डॉग फर्स्ट ही ट्रॉफी जीते, तो फर्स्ट ट्रॉफी जीतने के लिए ऑब्वियस बात है बेस्ट ट्रेनिंग, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा आपका डॉग ट्रीट मतलब परफॉर्मेंस करेगा, और जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपके डॉग की होगी उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, ये स्टैकिंग, ये मतलब वार्म अप कर रहे हैं अपने डॉग का स्टैकिंग के लिए। ये देखिए ऐसे ऐसे स्टैक करके सारे के सारे डॉग शो में उतरने से पहले वार्म अप करवा देते हैं अपने डॉग का, कि आपको कैसे स्टैंड करना है, कैसे खड़े होना है, कैसे आपको फॉलो करना है हमारी कमांड्स को, ये सब देखिए। ये जर्मन शेफर्ड डॉग हैं। ये जो फौजी भाई है, इनका कैनल रेवाड़ी हरियाणा के अंदर है, तो इन्होंने नंबर तो दिया नहीं हमें, पर अगर आपको डॉग्स चाहिए हो ना तो काफ़ी अच्छे, मुझे जितना पर्सनली लगा कि अच्छी क्वालिटी के डॉग ये रखते हैं अपने पास में, क्योंकि इनके इस डॉग्स को, इस डॉग को अगर आप देखेंगे, इसका नाम आई थिंक रैम्बो था, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये भी काफ़ी अच्छा डॉग है। और ये जो है बिशोन फ्राई का डॉग शो हुआ था, जिसमें कि इस बिशोन फ्राई ने फर्स्ट अवार्ड जीता है। ये लासा, लासा को देखो रिंग में उतारा जा रहा है, और लासा ने भी अवार्ड जीता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।